Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and I'm your science teacher Miss Farisha. Now we start our today's topic. Now please open the page number 66. So आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट होगा, यूनिट नंबर 10, वाटर. वाटर यानी कि पानी. इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, तमाम लिविंग थिंग्स को वाटर की जरूरत होती है, चाहे वो जानवर हो, पौधे हो या हम इंसान हो. प्लांट्स नीड वाटर टू लिव, प्लांट्स को पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, इसके अलावा इंसानों को और जानवरों को भी पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए. व्हाट वुड हैपन इफ अ लिविंग थिंग डिड नॉट गेट वाटर, अगर लिविंग थिंग्स को पानी ना मिले तो फिर क्या होगा. नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 67. प्लांट्स एंड एनिमल्स विल डाई आफ्टर ओनली अ फ्यू डेज इफ दे हैव नो वाटर. प्लांट्स और एनिमल्स को अगर पानी ना मिले तो वो कुछ ही दिनों में मर जाते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन इज वन ऑफ द मेन सोर्सेस ऑफ वाटर. बारिश पानी की एक बहुत बड़ी जराए है, यानी हम पानी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, बारिश से भी हासिल कर सकते हैं. वी कैन गेट वाटर बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स. ऑफन दिस वाटर हैज कलेक्टेड अंडरग्राउंड आफ्टर रेन्स, जिसको हम कहाँ पे सेव कर लेते हैं, ट्यूब वेल और कुएं वगैरह में सेव कर लेते हैं. रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड सीज. इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है वो तालाबों को, दरियाओं को और समंदरों को भी भर देता है. Another source of water is ice melting on mountain tops. This flows into rivers. इसके अलावा पहाड़ों पे आप लोगों ने देखा होगा बर्फ जमी हुई होती है. So जब वो आइस यानी के बर्फ पिघलती है तो उसमें से भी पानी निकलता है, और वो जब मेल्ट होके नीचे गिरती है तो कहाँ गिरती है, दरियाओं में गिरती है, रिवर्स में गिरती है. Now please move to page number 68. Uses of water, पानी के इस्तेमाल पढ़ते हैं कि हम पानी से क्या क्या काम कर सकते हैं. We have read that water is very important for all living things. We use it. अभी हमने क्या पढ़ा है, पानी की इम्पोर्टेंस पढ़ी है कि वो लिविंग थिंग्स के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है. अब इनके यूज पढ़ते हैं. When we are thirsty, to wash our clothes, for cleaning ourselves and bathing, to clean our homes, to make ice for cold drinks in summer. पानी से हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम पानी को पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है तो हम पानी को पीते हैं. इसके अलावा हमें कपड़े धोने होते हैं तो वो भी पानी के जरिए ही धुलते हैं. अपने घर को साफ करना होता है या फिर आइस क्यूब जमाने होते हैं, बर्फ रखनी होती है, सो वो भी पानी से ही रखी जाती है. पानी के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं जिससे वाटर के इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा बहुत अच्छे से लगाया जाता है. सबसे पहले तो जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं. नाउ प्लीज मूव टू पेज नंबर 69. वेस्टेज ऑफ वाटर, पानी को ज़ाया करना. वाटर इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर, वी शुड नॉट वेस्ट इट. पानी बहुत ज़्यादा एक कीमती तोहफा है हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये एक गिफ्ट है जो कि हमें अल्लाह ने दिया है. इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को ज़ाया ना करें. कैन यू सजेस्ट सम वेज टू सेव वाटर, क्या आप पानी को सेव करने के कुछ रास्ते बता सकते हैं. वी मस्ट क्लोज टैप्स प्रॉपरली आफ्टर यूज, वी शुड नॉट यूज एक्सेसिव वाटर विदाउट रीजन. जब भी हम पानी को यूज करें सो हम क्या करते हैं, हम नल को खुला छोड़ देते हैं, अपने टैप्स को खुला हुआ ही छोड़ देते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हम जल्दी से हैंड वॉश करें या हमें अगर फेस को वॉश करना है जल्दी से करके नल को बंद कर दें. इससे क्या होगा, पानी ज़ाया नहीं होगा. इसके अलावा फजूल कामों के लिए पानी को यूज ना करें. वाटर टैंकर सप्लाइंग वाटर शुड नॉट हैव लीकिंग टेप्स. वाटर टैंकर आप लोगों ने देखे होंगे रास्ते में, जब वो जा रहे होते हैं तो उनके पीछे से भी पानी लीक हो रहा होता है. सो उन लोगों को भी चाहिए कि यहाँ लीकिंग टेप्स लगाएं ताकि पानी ज़ाया ना हो.
Float water should not be wasted by stored in dams or lakes. इसके अलावा बहुत सारे दरिया ऐसे होते हैं जिनका पानी वेस्ट हो रहा होता है, सो उनके लिए हमें क्या चाहिए, डैम्स बनाएं उनको ताकि सेफ किया जा सके. स्टोरेज सप्लाई ऑफ वाटर, वी कैन स्टोर वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स और रिजर्वायर्स. वाटर इज स्टोर्ड इन लार्ज टैंक्स टू सप्लाई आवर होम्स. वाटर को स्टोर कैसे किया जाता है, घरों में टैंक्स होते हैं, इसके अलावा डैम्स होते हैं, वहां पे वाटर को सेव किया जाता है. फ्रॉम डैम्स एंड रिजर्वायर्स वाटर इज सप्लाइड थ्रू कैनाल्स. दिस नॉट ओनली इरिगेट क्रॉप्स बट ऑल्सो टेक द वाटर टू फिल्ट्रेशन प्लांट्स. जो पानी सेव कर लिया जाता है डैम्स वगैरह में, उनको सिर्फ क्रॉप्स यानी के खेतों वगैरह में ही नहीं दिया जाता बल्कि उसको फिल्टर किया जाता है, जो प्लांट्स को भी दिया जाता है. द वाटर इज ट्रीटेड एंड क्लीन्ड ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड सप्लाइड टू होम्स थ्रू ह्यूज पाइप्स. उसके अलावा उसी पानी को फिल्टर कर दिया जाता है और वो पानी कहाँ आता है, हमारे घरों में आता है जिसको हम पीते हैं, क्योंकि उसको फिल्टर कर दिया जाता है. सो उसके सारे बैक्टीरिया, उसमें जो सारे हार्मफुल जर्म्स होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पानी के इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो गया होगा. हमें पानी को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है. इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को ज़ाया ना करें. यह अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, इसको हमें बहुत ज़्यादा सेफ करके रखना चाहिए और बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वाटर का टॉपिक समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में बुक वर्क करेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.